सो अगर आप अपने मोबाइल में पेन ड्राइव यूज करते हो, पेन ड्राइव यूज करने के बाद आप उसे डायरेक्ट यहाँ से बाहर निकाल देते हो, इस तरीके से डाटा भी लॉस हो सकता है। तो आपको इस तरह से पेन ड्राइव कभी भी नहीं निकालनी चाहिए। तो अब सवाल यह आता है कि हमको पेन ड्राइव किस तरीके से निकालनी चाहिए जिससे हमारा डाटा लॉस ना हो। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताया गया है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि मैं इस पेन ड्राइव को यहाँ पे अपने मोबाइल के साथ यहाँ पे अटैच कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे मोबाइल में यहाँ पे पेन ड्राइव अटैच होने का नोटिफिकेशन भी आ चुका है। इसके बाद हम अपने मोबाइल में पेन ड्राइव को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे मोबाइल में पेन ड्राइव का काम खत्म हो जाता है तो हम डायरेक्ट पेन ड्राइव को ऐसे बाहर निकाल देते हैं, इससे हमारे पेन ड्राइव में जो डाटा है उसका लॉस होने का पूरा 100% चांस रहते हैं। तो आपको इस तरह से पेन ड्राइव कभी भी नहीं निकालनी चाहिए। तो पेन ड्राइव निकालने से पहले आपको एक सेटिंग कर लेनी है, इसके बाद आपके पेन ड्राइव का कोई भी डाटा लॉस नहीं होगा। सेटिंग को करने के लिए आपको नोटिफिकेशन पैनल ओपन कर लेना है। तो पेन ड्राइव निकालने से पहले आप यहाँ पे एजेक्ट पर क्लिक करेंगे, तो आपको जब तक ये नोटिफिकेशन यहाँ पे आ रहा है तब तक आपको पेन ड्राइव रिमूव नहीं करनी है। इसके बाद आप यहाँ पे पेन ड्राइव को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, लेकिन किसी किसी मोबाइल में ये नोटिफिकेशन यहाँ पे आता ही नहीं है। लेकिन अगर आपके मोबाइल में भी ये नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो आपको इसके लिए सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद अभी आपको यहाँ पे सर्च बार में यहाँ पे स्टोरेज सर्च करेंगे, आप यहाँ पे एजेक्ट यूएसबी स्टोरेज पर क्लिक करके आप अपनी पेन ड्राइव को रिमूव कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल में यहाँ पे बाहर की तरफ नहीं आए तो आप यहाँ पे स्टोरेज पर क्लिक करके देख सकते हो, आपके स्टोरेज में ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो अगर आपके मोबाइल में यहाँ पे एजेक्ट की सेटिंग नहीं आ रही है बल्कि कोई और सेटिंग आ रही है, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके मोबाइल में कोई दूसरी सेटिंग आ रही है तो आप अपने मोबाइल में से पेन ड्राइव कैसे निकाल सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एक सैमसंग का मोबाइल है, उसमें यहाँ पे एजेक्ट की सेटिंग नहीं आ रही है, उसमें कोई और सेटिंग आ रही है। तो मैं आपको यहाँ पे सैमसंग के मोबाइल में बताता हूँ कि आप सैमसंग के मोबाइल में से पेन ड्राइव निकालने से पहले क्या सेटिंग करेंगे जिससे आपका डाटा लॉस सभी मोबाइल में इन दो सेटिंग में से कोई एक सेटिंग आपके मोबाइल में जरूर मिल जाएगी। तो आप ये सेटिंग भी देख के जाइएगा। तो चलिए अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आप सैमसंग के मोबाइल में से पेन ड्राइव निकालने से पहले क्या सेटिंग करेंगे। तो मैंने इस पेन ड्राइव को यहाँ पे सैमसंग के मोबाइल में अटैच कर लिया है। सैमसंग के मोबाइल में से पेन ड्राइव निकालने से पहले आपको सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद अभी आपको यहाँ पे सर्च बार में स्टोरेज सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद अभी आपके सामने यहाँ पे स्टोरेज की सेटिंग आ जाएगी, तो आपको यहाँ पे स्टोरेज पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पे इस आइकन पर क्लिक करेंगे, आपके यहाँ पे अनमाउंटेड लिखा आ जाएगा। इसके बाद आप अपने पेन ड्राइव को यहाँ पे सेफली बाहर निकाल सकते हो, आपका कोई भी डाटा लॉस नहीं होगा। फिर आप अपने पेन ड्राइव के नेम पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको अनमाउंट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप सेफली अपनी पेन ड्राइव को यहाँ से बाहर निकाल सकते हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।